एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लेके जा रही हूँ देहरादून के एक रिस्ट्रिक्टेड वाटरफॉल। उस वाटरफॉल का नाम है टुन टुन वाटरफॉल। इतना बड़ा आना खाना वाटरफॉल रख दिया। हाल क्या कर दिया नहीं हम चलो इस लड़की को देखो। वाटरफॉल बहुत सुंदर है पर मैं प्रे कर रही हूँ कि वो सूख ना गया हो, क्योंकि आजकल मैं कहीं भी जा रही हूँ हर जगह मुझे पानी सूखा हुआ लग रहा है गर्मी की वजह से। बट आई होप बहुत बड़ी पनौती है। अभी हम जा रहे हैं लेक की तलाश में, मे बी अभी मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम वापस चले जाएंगे। छोटा मोटा पहाड़ दिख रहा है आपको, इसी को क्रॉस करना है, देन उसी के पीछे हमारा लेक है ना, क्रिस्टल क्लियर वाटर है और मछलियाँ यहाँ से नीचे देखो यार, कोई गिर गया ना यहाँ से। फट गया साली, पहले से फटा था तेरा जूता पहले से फटा था। देखते पहले से फटा था, बता कौन सा पैग मार के आएगी। गाइज आज हम आसना को घुमाने वाले हैं वाटरफॉल और वो लेक, तो लेट्स सी। तो गाइज इस रेड पुल के बाद आपको ये चौक दिखेगा, ये वाला रास्ता हमारा जाता है मनोल्टी की तरफ और जहाँ पे हमने जाना है इस तरफ जाना है। तो आपको मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे एक बहुत प्यारा पॉन्ड है जहाँ पे जाके आप नहा सकते हैं। देखो कैमरे में तो खास नहीं लग रहा है बट कितना प्यारा है ना, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, मछलियाँ भी दिखती है। तो ये है लोकेशन इस पुल के जस्ट नीचे, यहाँ पे लोग देखो खाने पीने वाले पिकनिक भी करते हैं यहाँ पे लोग, तो आप यहाँ आ सकते हैं। हमें यहाँ से आगे जाना है, रस्ते में आपको पड़ेगा ये देहरादून डिफेंस अकेडमी, यहाँ से भी आपको सीधे आगे जाना है। दिख रहा है आपको इस तरफ जाना है, इधर नहीं इधर। तो ऐसा रास्ता है यहाँ से और ये सामने पे एक रिजॉर्ट है, आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। तो ये इसका एक लैंडमार्क कह सकते हो गया। तो आपको यहाँ से सिर्फ 400 मीटर चलना है, देन आप अपनी मंजिल में पहुँच जाओ। देहरादून का एक वाटरफॉल है, गर्मी काफ़ी बढ़ रही है तो हम वाटरफॉल की ठंडी ठंडी हवाएँ खाने के लिए जा रहे हैं। तो लेट्स सी, आप लोगों को भी दिखाते हैं, चलो मेरे साथ। लड़की बता रही है कौन सा पैग मार के आएगी, जैसे बिल्कुल भी नहीं थक रही है। इतनी जवान हो गई ये लड़की, चल भी नहीं पा रही, और मुझे देखो आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तो मुझे बहुत झूठ बोली गई ये झूठ। छाजी नानी यहाँ लोग अपना क्लास बंद करके आते हैं। तो धागे अबे क्या हो गया मम्मी, कागज नहीं आ रहे। तो गाइज यहाँ की रोड थोड़ी ऐसे दिखाओ आसना, यहाँ से पीछे दिखाओ, थोड़ी चढ़ाई है, हम अच्छे नहीं आ रहे। तो यहाँ से थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता है, ट्रैक करना है आपको 400 मीटर के लिए, तो काफ़ी इंजॉय करेंगे आप। वाटरफॉल बहुत सुंदर है बट मैं प्रे कर रही हूँ कि वो सूख ना गया हो, क्योंकि आजकल मैं कहीं भी जा रही हूँ हर जगह मुझे पानी सूखा हुआ लग रहा है गर्मी की वजह से। बट आई होप बहुत बड़ी पनौती है तभी पूरी बात तो कर लेंगे। मैं आज को आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ उस वाटरफॉल की तरफ। क्या नाम है उस वाटरफॉल का? नाम है टुन टुन वाटरफॉल का नाम आना खाना वाटरफॉल। यहाँ पे आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे। आज तक नीचे जाओ पर नहीं जाना, नीचे जाना है जहाँ पे ये बालिका जा रही है, तो आपको यहाँ जाना है। लड़की को पक्की सड़क चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं जंगलों के बीच में इसके लिए। ओ
यहाँ पे पिकनिक भी मनाने लगे। तो ये पुल तो था पहले टूटा हुआ था। चले यहाँ से। हाँ यार ये भीड़ देखे यहाँ लगने का मन नहीं कर रहा है, बट इस चीज़ों को हम अब अपना चढ़ा भाई यहाँ का हाल क्या कर दिया। लोगों ने इस जगह को बहुत बुरा गंदा कर रखा है, जो कि बहुत भी अच्छी बात नहीं है ना। ये वाला वाटरफॉल 5-6 महीने पहले, मतलब मे बी 1 साल भी हो गया अब तो डिस्कवर हुए, और इतने टाइम में यहाँ पे लोगों ने इतना बुरा हाल कर दिया है, बहुत ही गंदा कर दिया है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं लेक की तलाश में, मे बी अभी मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम वापस चले जाएंगे। वो चढ़ाई है यहाँ से, यहाँ से नीचे देखो यार, कोई गिर गया ना यहाँ से। टूटा फूटा पहाड़ दिख रहा है आपको, इसी इसी को क्रॉस करना है, देन उसी के पीछे हमारा लेक है। देखो हिरन ना, कैसे आप लोगों को हिरन दिखाते, ज़ूम कर, पूरा चला गया तेरा सब बात नोट हो रहा है। गाइस आपको ऐसे इस पत्थर को बीच से आना है, हम लोग गलत आ गए, हम ऊपर से चले थे। आज तो गाइस हमने ठान लिए लेक को देख ही रहे कि हाँ अकेले कोई भी मत आना, अपने दोस्तों के साथ आना, अकेले मत आना। छोटे छोटे ऊपर गांव भी है साइड। और हम कीमत चुका रहे हैं कैलोरी बर्न करके अपनी। चलो दिखा, मुझे ऐसी लग रही है यही लेक। और ये बिल्कुल सूख चुका है, यही है ना अपना पानी का ऐसे तो होता है ना। हाँ और इस लेक का नाम अब से मैं हमेशा कलर टैंक का है, तो हम पैर तो डुबा ही सकते हैं। पैर दलदली जैसे भली भी आगे आगे आगे। हाँ मत यही होगा, पर पानी पूरा सूख चुका है पहले, क्योंकि ना ये इतना इतना ऊपर था। हाँ तो पानी ये देखो, ये लेके आए हमें इस लेक में, हाँ पूरा पानी सूख चुका है। गाइस वन मोर टाइम मिशन फेल। इस लेक का नाम पड़ेगा टुनटुन लेक, देख सकते हम कहाँ से आए हम। चलो देख तो लिया, कोई बात नहीं, वैसे हर जगह का एक टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही उस जगह में जाना चाहिए। अगर आप गलत टाइम पे आते हैं तो आप ऐसे ही डिसअपॉइंट होंगे। तो गर्मियों में आप किसी भी मतलब ऐसी जगह में मत जाना, क्योंकि झील वील ये सारी सूख जाती है गर्मी से। भयानक पहाड़ से अब हमें पैदल ट्रैक करके दोबारा जाना है। इस लड़की को देखो पहले से फटा था तेरा जूता, तेरा जूता पहले से फटा था, देख ये देख पहले से फटा था, देख पत्थर से फटा। हेलीकॉप्टर यार हेल्प मी। तो गाइस आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। तो वाटरफॉल तो पूरा सूखा हुआ है, तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगी कि गर्मियों में ऐसी जगह में जाने से अवॉइड करें आप। और वाटरफॉल में भी काफ़ी कम पानी रह गया है, तो बरसात में ये पानी थोड़ा बढ़ता है, तो आप उस टाइम पे यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय बाय।